अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो उस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो कि मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई ब्राइटनिंग के लिए, फेस का ओवरऑल जो है कि वाइटनिंग के लिए और फेस को अच्छा ग्लो करने के लिए, फेस को वाइट करने के लिए, फेस के अंदर जो है कि डार्क स्पॉट्स होता है उसको हटाने के लिए ब्लैक हेड्स आ जाता है, वाइट हेड्स हो जाता है और एक्ने की वजह से क्या होता है, काला दाग धब्बा भी हो जाता है। कौन ऐसा क्रीम है या फिर सीरम है जो कि फेस के लिए और बहुत ही सूटेबल हो, यानी फेस का बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आज का वीडियो में दोस्तों गार्नियर विटामिन सी सीरम जो है जो कि बहुत ही फेमस है उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ये विटामिन सी सीरम का कौन कौन सा फायदा है। एक नंबर में दोस्तों इसका जो है कि हाइड्रेटिंग का बहुत अच्छा काम करता है, ये सीरम है स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा फायदा दोस्तों ये जो है कि ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, इंस्टेंट ग्लो कर देता है, यानी 3-4 दिन के अंदर ही फेस का ग्लोइंग बढ़ने लगता है, फेस का जो कि लाइटनिंग बढ़ जाता है। तीसरा नंबर में दोस्तों ये जो है कि रिड्यूस करता है रेडनेस को, जो फेस में बहुत सारा लोगों को रेड रेड हो जाता है जगह जगह पर, इसको भी रिड्यूस करता है। चार नंबर में ये जो है कि हाइपर पिगमेंटेशन को भी फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन का जिसको प्रॉब्लम है दोस्तों उसको भी सही करता है। पांच नंबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोगों को जो कि डार्क सर्कल अंदर आई में होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है, तो इसका इस्तेमाल करने से ये जो डार्क सर्कल नीचे आता है, यानी कि काला दाग धब्बा, जो काला जो दाग आ जाता है आँखों के नीचे, वो होने से ये बचाता है और जो कि उसका अपीयरेंस होने से बचाता है। छः नंबर में दोस्तों ये कोलाजिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और कोलाजिन प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो यंगर लुक होता है। कोई भी इंसान का दोस्तों जब एज बढ़ने लगता है तो कोलाजिन प्रोडक्शन उसका फेस पे या हर जगह पे कम होने लगता है, जिसका वजह से फेस जो है कि फेस के अंदर झुर्री होने लगता है, फेस सैगिंग होने लगता है, यानी कि जो स्किन है स्किन थोड़ा डल होने लगता है, ये कोलाजिन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। सात नंबर में दोस्तों ये स्किन को सैगिंग होने से, यानी कि लूज होने से बचाता है, यानी कि स्किन को, फेस का स्किन को जो कि ये यंगर लुक देता है और इसको थोड़ा टाइट बना के रखता है। अब बात करते हैं कि इसको क्या हर इंसान लगा सकता है, हर कोई लगा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन वाला के लिए इश्यू हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्रेग्रेंस है और फ्रेग्रेंस से बहुत सारा सेंसिटिव स्किन वाला को एलर्जी हो सकता है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। तो इसको जो कि कहीं पर थोड़ा सा लगा के पहले टेस्ट कर ले और उसके बाद ही इसको प्रयोग करें स्किन सेंसिटिव स्किन वाला के लिए। और बाकी नॉर्मल स्किन या फिर ऑयली स्किन या ड्राई स्किन वाला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राई स्किन वाला के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर जो कि हाइलुरोनिक एसिड होता है, और हाइलुरोनिक एसिड दोस्तों आप सभी को पता होगा हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, मॉइस्चर को बरकरार रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक किस्म का ये शील्ड होता है, आपका स्किन का मॉइस्चर को बाहर जाने नहीं देता है। अब दोस्तों इसको जो कि कब लगाना बेहतर है, इसको जो कि रात को लगाना सबसे बेस्ट होता है, सोने से पहले लगा सकते हैं, और दिन में अगर आपको लगाना है तो दिन में आप इसको लगा करके जो कि सनस्क्रीन लगाना बेहद ही ज़रूरी है। अगर सनस्क्रीन लगा के बाहर नहीं जाएंगे तो विटामिन सी कोई काम नहीं करेगा, यह सीरम जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। जैसे ये सन का एक्सपोज में आएगा ये दोस्तों इसका जो प्रॉपर्टीज है ख़त्म हो जाएगा, ये डैमेज हो जाता है और ये कोई फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए बेहतर है कि रात को इस्तेमाल करें, दिन में अगर इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसको लगा करके, सनस्क्रीन लगा करके ही बाहर कहीं पर जाएँ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।